जीनियस क्लासेज और बहुत दिनों के बाद आज नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास हमने फॉरेस्ट्री देख ली थी और ये हमारी सेकंड क्लास है। आप भी सोच रहे होंगे सर बहुत दिनों में आए, हाँ बहुत टाइम हो गया। तो आज हमारी सेकंड क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो किया था फॉरेस्ट का, कि फॉरेस्ट क्या होती है, क्या होती है फॉरेस्ट क्या होती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट्री क्या होती है, क्या होती है फॉरेस्ट्री क्या होती है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट्री के बाद क्या बताया था, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, क्या होती है एग्रो फॉरेस्ट्री की क्या होती है। तो ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। तो आपको सभी आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी तो आपको पता लगा होगा कि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट्री क्या होती है और एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है। तो एक बार मैं आपको और रिवाइज कर देता हूँ कि फॉरेस्ट होता है जिसमें आपको सब पता है क्या होता है, ट्री का, किसका ट्री का हम मतलब इस्तेमाल करते हैं, ट्री यूज करते हैं। फॉरेस्ट मतलब एक फॉरेस्ट एरिया जहाँ क्या होता है ट्री का अध्ययन करते हैं, दूसरी स्टडी करते हैं, दूसरी फॉरेस्ट्री क्या होती है। फॉरेस्ट्री का फर्स्ट क्लास में बताया था फॉरेस्ट्री क्या होती है, तो फॉरेस्ट्री क्या होती है साइंस होती है, क्या होती है साइंस होती है, क्या होती है साइंस होती है। अब ये साइंस किसमें, तो फॉरेस्ट्री का जो साइंस होती है उसमें किसकी स्टडी की जाती है, तो वो होती है ट्री की। तो जो फॉरेस्ट्री क्या है साइंस है और फॉरेस्ट क्या है जिसमें ट्री आता है। तो ये हमने फर्स्ट क्लास के अंदर बात कर ली थी। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री, तो एग्रो फॉरेस्ट्री बात कर ली थी जिसमें क्रॉप क्या आती है हमारी, क्रॉप जितने भी जो या तो हॉर्टिकल्चर मान ले या फिर एग्रोनॉमी जितने भी क्रॉप है वो, प्लस क्या है तो प्लस होती है ट्री। तो इनका जो सम्मिलित रूप होता है, जिनका मिक्सड रूप होता है वो क्या होता है एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। मैंने और बात की थी आपके, जब आपको जैसे कि अपना प्रीपीजी दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आए और ऑप्शनल में आपको ट्री प्लस मतलब क्रॉप प्लस ट्री, और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं हो प्लस में एनिमल भी हो, क्या हो एनिमल, तो वो भी हमारा किसमें जाएगा, किसमें जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री में। तो ये हमने क्या की थी पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब कि एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या क्या ऑब्जेक्ट है। तो आप सभी जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या क्या ऑब्जेक्ट है, कि क्या करता है, सोइल प्रोडक्टिविटी है, इकोलॉजी सिस्टम है, हमको फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है, फ्रूट मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, तो यही सब चीज है। सोइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। सस्टेनेबल पर एरिया ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि जो एरिया है ये हमारा कोई एरिया है और इसमें क्या है हमारा फॉरेस्ट है, क्या है फॉरेस्ट है, और इसकी जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है किसकी प्रोडक्टिविटी की वो क्या है इंक्रीज, मतलब एरिया इस एरिया में फॉरेस्ट से होने वाली क्या है प्रोडक्टिविटी उसको ये दर्शाता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पर एरिया ऑफ फॉरेस्ट हो गया। तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसमें सिक्स एफ होते हैं, तो सिक्स एफ हमें भी आप मतलब कि इंक्लूड होते हैं। तो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया फूड, बिल्कुल फूड हमें मिलता है फॉरेस्ट से, फूड मिलता है बिल्कुल सिंपल बात है, फ्यूल मिलता है, क्या मिलता है फ्यूल, फूड अलग है फ्यूल अलग है, तो फ्यूल मिलता है, फाइबर मिलता है बिल्कुल, फाइबर आप जानते हैं जिसमें जो फाइबर हमें प्राप्त होता है एक खाने वाली चीज में फाइबर होता है, और फाइबर आप जानते हैं मोटापे को कम करता है, तो फाइबर हमें मिलता है। अच्छा फर्नीचर इससे प्राप्त होता है, आप सभी जानते हैं फॉरेस्ट से फर्नीचर प्राप्त होते हैं, फीड हमें मिलता है और फंड हमें मिलता है। फंड हमें कैसे मिलता है, जैसे कि ये फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में हम जानते हैं जैसे एक समुदाय है, तो समुदाय में जैसे कि समुदाय है और समुदाय का अगर जिसमें हम जैसे फॉरेस्ट है उसका अब प्रोडक्टिविटी लेने के लिए जो पास का समुदाय होता है वो इस पर निर्भर रहता है, तो एक फंड के रूप में उसको ये फॉरेस्ट का काम आता है, तो फंड के रूप में। तो ये क्या हो गया सिक्स एप होते हैं जो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, कौन कौन से होते हैं, तो फूड हो गया, फ्यूल हो गया, फाइबर हो गया, फर्नीचर हो गया, फीड हो गया और फंड हो गया। तो सिंपल बात है आप सब जानते हैं। आगे हम जानते हैं इकोलॉजी बैलेंस, सब जानते हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी बैलेंस होता है, क्या होता है तो CO2 इससे प्राप्त होती है, क्या होती है CO2 प्राप्त होती है, और भी बहुत गैसे हैं जो कि हमें इकोलॉजी से प्राप्त होती है, तो इकोलॉजी बैलेंस करता है फॉरेस्ट। आप नॉर्मल बात है सब जानते हैं, सोइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, सब जानते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर देखो जैसे कि फॉरेस्ट है, अब फॉरेस्ट में जो आप जानते हैं सोइल होती है वो बहुत मतलब कि एक तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होती है, क्या होती है मॉइस्चर ज्यादा होती है, उसमें जो पत्ती है वो नीचे गिरती है उनके क्या बनता है हमें खाद बनता है, अच्छा तरह का खाद बनता है। तो जैसे मिट्टी बहुत अच्छी होती है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी, तो सोइल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सोइल फर्टिलिटी बिल्कुल सोइल फर्टिलिटी भी बढ़ेगी और सस्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखो सस्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी वो समझो, समझने में ध्यान दो, जैसे कि जड़ है आप जानते हैं फॉरेस्ट में बहुत सारी जड़ें होती है, रूट होती है जो चारों तरफ फैली रहती है, बड़ी बड़ी रूट होती है, तो उसकी क्या होगी एक वो क्या होगी कि जो बंधी हुई रहेगी, जो हमारी सोइल में बंधी हुई रहेगी, तो उसमें क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मतलब कि उसमें जो हमारा निक्षालन है वो नहीं होगा। एक है क्या नेचर रिसोर्स ऑप्टिमम, मतलब कि नेचर जो है रिसोर्स ऑप्टिमम को क्या करता है यूज करता है, क्या करता है यूज करता है। तो ये सब क्या हो गए हमारे ऑब्जेक्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री के क्या हो गए ऑब्जेक्ट हो गए। आगे हम
चलो अब हम देख लेते हैं कि नॉर्मल की एग्रो फॉरेस्ट्री की जो बेनिफिट है, अब पहले तो हमने ऑब्जेक्ट की बात की थी, अब हम बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि ओके एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट वगैरह क्या होते हैं। तो एक तो ध्यान रखें कि जो आपका जो ये फॉरेस्ट्री है इसको मतलब फर्स्ट सेम अच्छे से पढ़े, एक अपना इंग्लिश अच्छे से पढ़े, एक मैथ अच्छे से इनको ज़्यादा क्लियर करें, ताकि इनमें क्या है बैक लगने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, तो इनको अच्छे से क्लियर करके चलें और बढ़िया पढ़ें। वैसे भी जेट आप क्वालिफाई करके नहीं आए हैं और जानते हैं सभी कॉलेज वगैरह में इतना नहीं पढ़ते, फिर भी कोशिश करते रहे, पढ़ते रहे कंटिन्यू, एक दो घंटा निकालिए टाइम पे, ताकि अच्छी रेगुलरली चलाई चले पढ़ाई चले और फालतू काम छोड़ दीजिए। चलो जंगल में आपको मंगल करना सिखाते हैं फिर। तो बेनिफिट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कि बेनिफिट क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री, तो फर्स्ट है मिर्च जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उनको रिसाइकिल करता है। तो न्यूट्रिएंट को देखो रिसाइकिल कैसे करता है, समझो कि जैसे एक हमारा क्या है एक पेड़ है, क्या है ट्री है कोई भी फॉरेस्ट में, उसकी जो पेड़ पत्ती है लीफ वगैरह है वो क्या है नीचे गिरेंगे, उसमें क्या होता है न्यूट्रेंट वगैरह होते हैं, जैसे वो बढ़ेगी तो क्या होगा खाद बढ़ेगा, फिर वो क्या होगा सॉइल में जाएगा, सॉइल में उसको जो हमारे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे उसको डिपोजिट करेंगे, और उसके बाद जो उसका वो होगा उसमें जो न्यूट्रेंट बन लेंगे वो वापिस से क्या करेंगे रूट द्वारा वापिस से पौधे में चल जाएंगे। तो क्या होगा न्यूट्रेंट का मतलब रिसाइकिल बन जाता है। तो क्या होगा तो बेनिफिट क्या है न्यूट्रेंट क्या होते हैं रिसाइकिल होते हैं। लीचिंग लॉसेस है हमारी रूट वगैरह हैं जो मतलब कितने घने जंगल होते हैं उनमें रूट वगैरह बड़ी बड़ी रूट होती है नीचे, तो लॉसेस जो लीचिंग होती है वो क्या आता है कम हो जाता है, क्योंकि जो पत्ती है वो ऊपर क्या हो जाती है बिस्सी जाती है, मतलब एक चादर बन जाती है पत्तियों की, तो क्या है लीचिंग लॉसेस कम हो जाता है, रन ऑफ कम हो जाता है। रन ऑफ कैसे कम होगा, जैसे कि घने जंगल है पत्ती है लीफ वगैरह ज्यादा है टहनियां ज्यादा है, तो सीधे जो हमारी बूंदे हैं बरसाती की बूंदे हैं वो सीधी सोइल पे आके नहीं गिरेगी, तो रन ऑफ भी कम हो जाएगा, पेड़ पत्तियां रोक ली तो रन ऑफ कम हो जाएगा। सोइल इरोजन है सोइल इरोजन भी कम हो जाएगा, सीधी बात है कि पेड़ पत्ती है जो है वो रोक लेगी तो सोइल इरोजन भी कम हो जाएगा, बड़े नालों का निर्माण नहीं होगा, जैसे कि बड़े बड़े नाले होते हैं जो कट जाती है मृदा उसमें भी निर्माण नहीं होगा, तो सोइल इरोजन भी कम हो जाएगा। माइक्रो क्लाइमेट का निर्माण करती है। माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है, जैसे क्रॉप कोनोपी है उसका टेम्परेचर घटाएगा, मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास में बात की थी कि जो हमारा क्या होता है ट्री होता है उसकी जो ये शाखाएं होती है वो क्या होती है ये क्या होती है कोनोपी होती है, क्या होती है कोनोपी होती है। तो जब कोनोपी होती है उसके नीचे वाले जो मृदा है यहाँ पर मृदा है, तो यह सूर्य का जो जो प्रकाश है जो लाइट है वो सीधे सॉइल में इफेक्ट नहीं डालेगी, यहाँ रुक जाएगी, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो पहले बात कर ली थी कि क्रॉप कोनोपी का टेम्परेचर क्या होगा कम हो जाएगा, इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा, क्या होगा इवेपोरेशन कम हो जाएगा, मॉइस्चराइजेशन यहाँ क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि नमी क्या होगी मॉइस्चराइजेशन बढ़ जाएगी, नमी क्या होगी यहाँ बढ़ जाएगी तो मॉइस्चराइजेशन बढ़ जाएगी। अब देखो जब एग्रो फॉरेस्ट्री है जैसे फॉरेस्ट है तो सीधी सी बात है वहाँ प्रोडक्ट निकलेंगे, हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गए तो इनकम भी जनरेट होगी वहाँ, तो सीधी बात है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें क्या होगी इनकम जनरेट होगी। आगे सोइल फर्टिलिटी, बिल्कुल सही बात है सोइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सोइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, सोइल की जो बायोलॉजिकल है फिजिकल है जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगी इंक्रीज होगी, क्या होगी इंक्रीज होगी, सोइल की बायोलॉजिकल कंडीशन सुधरेगी, उसमें केमिकल कंडीशन भी उसमें अच्छी होगी, तो सोइल फर्टिलिटी बढ़ेगी, सोइल बायोलॉजिकल कंडीशन है जो फिजिकल कंडीशन है प्रॉपर्टीज वगैरह है वो सब क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो अब तक हमने बेनिफिट्स वगैरह पढ़ लिए, ऑब्जेक्ट पढ़ लिए एग्रो फॉरेस्ट्री की, आगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से और भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जितने भी अपने दोस्त हैं और कॉलेज में पढ़ते हैं जहाँ क्लासें नहीं लग रही हैं तो वहाँ तक लोगों तक शेयर करें। आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।